नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलीनोमियल। अब सबसे पहले यहां पे ये दो वर्ड का मीनिंग समझेंगे, जीरोस क्या होता है और कोएफिशिएंट क्या होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं बात करूं 2x² प्लस 4x प्लस 2, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे इक्वेशन 2x² प्लस 4x प्लस 2। तो यहां पे जैसे x² है तो वो हमारा पहला टर्म होगा, x हमारा दूसरा, 4x हमारा दूसरा टर्म होगा और 2 हमारा तीसरा टर्म होगा। अब x² के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो होता है हमारा कोएफिशिएंट। क्या होता है हमारा, मतलब x² का कोएफिशिएंट क्या है 2, वैसे x का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास 4 और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है यहाँ पे 2, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कोएफिशिएंट, मतलब जो भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं कोएफिशिएंट, बराबर। जीरोस क्या होते हैं, तो जीरोस मतलब अगर मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करूंगा, फैक्टराइज करूंगा और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करूंगा तो x की मेरे को दो वैल्यूज मिलेगी, x की क्या मिलेगी वैल्यू, तो जो x की वैल्यू आती है उसको हम लोग बोलते हैं जीरोस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग जीरोस। अब कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम लोग इस टॉपिक में देखने जा रहे हैं। तो जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग पॉलीनोमियल को तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं, मतलब पावर के हिसाब से, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो वन बाय वन अपने तीनों देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लीनियर पॉलीनोमियल, इसे शुरुआत करते हैं लीनियर पॉलीनोमियल। तो देखो लीनियर पॉलीनोमियल को देखते हैं थोड़ा डिटेल में। तो देखो द पॉलीनोमियल, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल इज ax plus b where a is not equals to 0। तो कोई भी लीनियर पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax plus b, स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus b, मतलब देखो x हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसके लिए क्या होगा ये हमारा लीनियर होगा, क्या होगा हमारा ये, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसका ax plus b। फिर डिग्री ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल is 1, डिग्री मतलब है हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या होगी इसकी 1 होगी, हाईएस्ट पावर क्या होगी यहाँ पे 1। सेकेंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल इज 1, मतलब अगर मैं कोई भी लीनियर पॉलीनोमियल को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमम x की कितनी एक ही वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी एक ही वैल्यू आएगी, एक से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल होती नहीं है। अब यहां पे एक फॉर्मूला है दैट इज अल्फा, लेट अल्फा बी द जीरो, बराबर। अपने जैसे बोलते हैं कि एक्स की वैल्यू, तो अपने यहां पे एक्स की वैल्यू को भी क्या सपोज करते हैं अल्फा, यहां पे अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा अल्फा विल बी इक्वल्स टू माइनस बी बाय, अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। फिर द ग्राफ ऑफ लीनियर polynomial is straight line, is a straight line, देखो हम लोग कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल को अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पे क्या बनेगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, हमेशा क्या बनता है वहां पे एक स्ट्रेट लाइन बनता है। एक बार छोटा सा कुछ रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो देखो सबसे पहले लीनियर इक्वल लीनियर पॉलीनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax plus b, लीनियर पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus b। एक और चीज आपको ध्यान देनी है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहां पे a 0 होना नहीं चाहिए। क्यों, अगर बाय चांस मैं a को यहां पे 0 रखूंगा तो 0 * x की जगह 0, मतलब वेरिएबल बचेगा नहीं तो ये लीनियर होगा नहीं, तो इसके लिए a यहां पे हमारा 0 होना नहीं चाहिए। फिर उसका उसकी डिग्री, डिग्री मतलब उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है 1, नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं 1, मतलब कोई भी लीनियर पॉलीनोमियल होगा तो वहां पे एक्स की एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी, एक से ज्यादा वैल्यू आएगी नहीं। तीसरी, अगर मान ले अल्फा 0 है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा माइनस बी बाय, उसका फॉर्मूला क्या होगा माइनस बी बाय। और अगर लीनियर पॉलीनोमियल का कभी भी ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या बनेगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्या बनेगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। लाइन किस तरीके से ऐसे भी हो सकती है, इस तरीके वो किस तरीके से भी वो लाइन बन सकती है, बराबर। तो ये था हमारा लीनियर पॉली
नॉर्मल। अब लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक, लीनियर के बाद क्या आता है क्वाड्रेटिक। देखो लीनियर के बाद दूसरा आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है वो अपने थोड़ा डिटेल में देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 के लिए, तो ध्यान देना इसमें थोड़ा अच्छे से। अब देखो तो सबसे पहले द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज ax square plus bx plus c where a is not equals to 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक का, ax square plus bx plus c where a is not equals to 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ax square plus bx plus c where a is not equals to 0। सेम कंडीशन, अगर a 0 होगा तो 0 into x square क्या हो जाएगा 0, तो x square का टर्म बचेगा नहीं, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं, इसके लिए a यहां पे 0 होना नहीं चाहिए। फिर डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, मतलब यहां पे x की जो हाईएस्ट पावर कितनी है वो 2 है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। थर्ड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is 2। यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की कितने जीरोस है 2 जीरोस होते हैं, कितने जीरोस होते हैं 2, मतलब यहां पे x की मैक्सिमम 2 वैल्यू आती है, कितनी वैल्यू आती है 2 वैल्यू आती है। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द 2 जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब हम लोग मान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के 2 जीरोस कौन-कौन से हैं, अल्फा और बीटा, कौन कौन से है अल्फा और बीटा। तो इसमें देखो अब इसमें रिलेशन क्या होता है, सबसे पहला रिलेशन आएगा सम ऑफ द जीरोस, कहेगा सम ऑफ द जीरोस, सो दैट इज अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, दैट इज बी का मतलब क्या होता है यहां पर नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए का मतलब coefficient of x square, एक मतलब क्या होगा coefficient of x square। जैसे आप लोग यहाँ पे देखोगे standard form ax square plus bx plus c, तो a किससे multiply है x square से, मतलब x square का coefficient क्या है a है, b किससे multiply है x है, मतलब वो किसका x का coefficient है, और c के पास कोई variable नहीं है तो वो हमारा constant term होता है। दूसरा product of the zeros, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यहां पे क्या होगा अल्फा इनटू बीटा, मतलब अगर इसके जीरोस को कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा क्या होगा c by a के फॉर्म में होगा, कौन सा फॉर्म होगा c by a, मतलब c यानी क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, और a यानी क्या होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x, a यानी क्या होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, नॉट x, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बराबर। अब इसकी ग्राफ की बात करें तो ग्राफ को अभी अपने थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसका, तो इसमें ग्राफ में किस तरीके से होता है उस पर ध्यान देते हैं। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज पैराबोला, इसका ग्राफ कैसे होता है पैराबोला। अब पैराबोला क्या शेप होता है अपने वो देखते हैं, तो वो दो कंडीशन होते हैं, पहली तो पहली कंडीशन क्या है, केस वन, इफ सॉरी इन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो देन ग्राफ इज पैराबोला अपवर्ड, क्या होगा ग्राफ हमारा पैराबोला अपवर्ड। देखो हमारे पास अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ax square plus bx plus c, जिसमें a जो है वो 0 से बड़ा है, a क्या है 0 से बड़ा, मतलब a की जो वैल्यू है मतलब x square का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, x square का कोएफिशिएंट कैसा है पॉजिटिव है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा पैराबोला अपवर्ड। पैराबोला अपवर्ड मतलब किस तरीके से, जैसे मान लो ये हमारे दो जीरो दो एक्सिस हो गए, ये एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन। अब मान लेते हैं कि ये x का पहला वैल्यू है और ये x का दूसरा वैल्यू है, अब इसको पैराबोला अपवर्ड, अपवर्ड मतलब उसको इस तरीके से बनेंगे, देखो
ये जो शेप है, ये शेप को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। इस शेप को क्या बोलते हैं हम लोग? पैराबोला शेप बोलते हैं। और इसको ऊपर के साइड ओपन करने का, कौन सा साइड खोलने का? ऊपर के साइड। इसको क्या बोलते हैं? इसको अपने पैराबोला अपवर्ड। क्या बोलते हैं? पैराबोला अपवर्ड। दूसरी कंडीशन क्या है? केस टू। देखो दूसरी कंडीशन में क्या होता है, इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इफ ए इज लेस देन जीरो देन ग्राफ इज पैराबोला डाउनवर्ड्स। अब देखो तुम्हारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ए की वैल्यू लेस देन जीरो है, मतलब ए की वैल्यू नेगेटिव में, ए की वैल्यू क्या है? नेगेटिव में। तो तुम्हारा ग्राफ क्या होगा? पैराबोला डाउनवर्ड होगा। ग्राफ क्या होगा? पैराबोला। अब पैराबोला डाउनवर्ड मतलब इस तरीके से, देखो जैसे दो एक्सेस हो गए, ये हमारी एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश और ये। अब जैसे मान लो ये ही दो जीरो है बट उसको हम बनाएंगे इस तरीके से, तो इसको हम लोग बोलेंगे पैराबोला डाउनवर्ड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? पैराबोला डाउनवर्ड। ये भी पैराबोला है बट ये नीचे के साइड खुल रहा है। कहां पे खुल रहा है? नीचे के साइड। तो इसको बोलेंगे पैराबोला डाउनवर्ड और इसको बोलते हैं हम लोग पैराबोला अपवर्ड। बराबर। तो ये इसका ग्राफ का कॉन्सेप्ट था। अब तीसरा आता है, देखो पहले हमने देखा लीनियर, फिर हमने देखा क्वाड्रेटिक, अब तीसरा और लास्ट आता है हमारे पास क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्या आता है हमारे पास? क्यूबिक पॉलीनोमियल। अब देखो क्यूबिक पॉलीनोमियल में क्या होता है वो समझते हैं। तो क्यूबिक पॉलीनोमियल देखो, सबसे पहले द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल is ax cube plus bx square plus cx plus d where a is not equal to 0. Standard form kya hota hai iska? ax cube plus bx square plus cx plus d where a is not equal to 0. Yahan pe a ke 0 pe equal hota nahi hai. Phir iske andar sabse pehle degree of cubic polynomial is 3. डिग्री मतलब इसका हाईएस्ट पावर क्या होता है? 3 होता है। हाईएस्ट पावर क्या होता है? 3. फिर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 3. मतलब यहां पे एक्स की तीन वैल्यू पॉसिबल है। एक्स की कितनी वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, तीन वैल्यू पॉसिबल है। तो अपने क्या करते हैं, लेट अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा बी द थ्री जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन जीरोस लेते हैं, कौन कौन से? अल्फा बीटा और गामा। तो इसमें सबसे पहले अपने लेते हैं सम ऑफ द जीरोस। क्या लेते हैं? सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस का मतलब यहां पे क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या होगा सम ऑफ द जीरोस? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी बाय ए। सो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां पे बी किसका कोएफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। और ए यानी किसका है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ए किसका है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बराबर। फिर उसके बाद है बेटा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। उसके बाद क्या हमारे पास? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। सी यानी यहां पे देखो, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान दो तो सी मतलब क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और लास्ट है हमारे पास तीसरा रिलेशन, that is product of the zeros. That is what? Product of the zeros. Product मतलब तीनों का आपस में multiply, that will be alpha into beta into gamma, that is minus d by a. तो d यहाँ पे क्या है हमारा? constant term, तो negative constant term upon coefficient of x cube. क्या होगा? coefficient of x cube. फिर इसका ग्राफ का मैं अगर बात करें तो ग्राफ में क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। तो देखो इसके ग्राफ में होगा द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज कर्व। इसका ग्राफ कैसा होता है? कर्व। अब कर्व क्यों बोलते हो समझते हैं हम लोग।
जैसे ये हमारी दो एक्सिस होगी, पहली एक्सिस और ये दूसरी, मतलब ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। अब क्यूबिक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर क्यूबिक होगा तो उसके कितने तीन जीरो होंगे, तो मान लेते ये पहला जीरो आया, ये दूसरा आया, तीसरा आया। अब मैं यहाँ पे जैसे ग्राफ बनाऊंगा, यहाँ पे दोनों अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों आएगा, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो इसके अंदर अपवर्ड पैराबोला भी आ रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला भी आ रहा है, इसके इसको क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट, बराबर। तो चलो ये टॉपिक का अपने एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे अपने को बताया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने तीन टाइप अभी यहां पे देखे, कौन कौन से देखे, हमने देखा सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल, फिर देखा हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर देखा हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर, लीनियर में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वेर ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, उसकी डिग्री कितनी होती है वन, डिग्री कितनी होती है उसकी वन, नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होते हैं उसके वन। ग्राफ कैसा होता है इसका, स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या, सॉरी यहाँ पे अल्फा क्या होता है माइनस बी बाई ए, और ग्राफ क्या होता है इसका, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा होता है इसका, स्ट्रेट लाइन। फिर क्वाड्रेटिक में हमने देखा क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिग्री क्या होती है इसकी वन, सॉरी डिग्री होती है टू, सॉरी डिग्री होती है इसकी टू, नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होते हैं इसके टू, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाई ए, और ग्राफ कैसा होता है इसका, पैराबोला, ग्राफ कैसा होता है इसका, पैराबोला। फिर हमने देखा क्यूबिक, क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिग्री कितनी होती है इसकी थ्री, नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं इसके थ्री, और पहला क्या था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा दैट इज सी बाई ए, एंड लास्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज माइनस डी बाई ए, और ग्राफ कैसा होता है इसका, कर्व होता है, ग्राफ कैसा होता है इसका, कर्व होता है, बराबर। तो ये था इसका एक क्विक रिविजन जो अभी हमने टॉपिक देखा पूरा।